भाई साहब दुनिया का सबसे बड़ा बॉम्ब चलाने वाला हूँ मैं। आ जाओ दुनिया का सबसे बड़ा बॉम्ब चलाते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा अनार जलने वाला है। ये दुनिया का सबसे बड़ा अनार है। अरे अरे हैप्पी दिवाली। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ पार्टी इंजॉय करने, वो भी कहीं नहीं अपने ऑफिस में। तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि यहाँ पे दिवाली हम किस तरह से मना रहे हैं। तो ये देखो जी, पीछे का बैकग्राउंड वगैरह कितना मजेदार है और कितना सही है। तो आप देख सकते हो, और देख के आपको डेकोरेशन से पता लग जाएगा कि ये कितना मजेदार बनाया हुआ है। और ये देखो जी, रंगोली भी बनी हुई है कितनी अच्छी तरह से। और ये देखो जी, सो गाइस हमने बहुत ही इंजॉय किया आज, और बहुत ही मजा आया है इंजॉय करने में। और ये देखो जी, यहाँ का डेकोरेशन देख के आपने अंदाजा लगाई लिया होगा किस लेवल की हमने सेलिब्रेशन करी। और मेरा आउटफिट देखिए जी, कुर्ता पजामा मैंने पहना है, और पग कैसे लग रही है ये भी बताना। सो गाइस मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मॉडल टाउन का एरिया किस तरह का है। देखो जी, रात को कितना ये दुकानदार वगैरह सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसको डेकोरेशन देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और भाई क्लासिक डेकोरेशन है। तो और दिखाता हूँ मैं आपको आगे आगे चल के भाई, मतलब सो गाइस मैं आपको दिखाने वाला हूँ रात का टाइम, मतलब 11:30 बजे। और ये रामामंडी का एरिया देखो जी, मतलब अभी भी खुला हुआ है। मतलब कि इनको अलाउ नहीं होता है नॉर्मल डेज में 11 बजे से ऊपर तक खोलना, पर आज देख सकते हो यहाँ पे मतलब कि कितना खुला हुआ है, लोग कितना सेलिब्रेट कर रहे हैं। अभी भी लोग आ रहे हैं जा रहे हैं लोग। देखो यार, मतलब ये बेसन की बर्फी, दीदी कह रही चलो बेसन की बर्फी ना, दीदी ने बर्फी बना ली है। देखो कितना प्यारा सा कट किया है, और इसको डेकोरेट किया हमने ड्राई फ्रूट्स के साथ। और ये बने हैं गुज्जे, तो ये हमारे गुज्जे बहुत टेस्टी है। इधर मम्मी बना रही है, हम लोग मम्मी की थोड़ी देर हेल्प कर रहे हैं, और दीदी भी हेल्प कर। दीदी अब फ्राई करने जा रही है। दीदी चलो जल्दी जल्दी फ्राई कर दो, हमको लालच आ रही बहुत ज़्यादा। तो ये हम लोग जा रहे हैं इसमें फ्राई करने। दीदी आओ जल्दी फ्राई करो, तेल हो गया है। दीदी तेल हो गया, डीप फ्राई करेंगे ना इसमें, उसमें डाल डाल के दीदी डीप फ्राई करेगी। तेल हो गया हल्का हल्का, तो दीदी अच्छे से इसको करेगी। डोंट माइंड, हमारा किचन अभी बहुत गंदा है, तो अब ये डीप फ्राई हो जाएगी क्लीन। दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हैप्पी दिवाली आप सबको। और अभी जा रहे हैं हम लोग गुरुद्वारे मथा टेकने, मथा टेक के आएंगे, और उसके बाद फिर घर पे भी पूजा होगी। घर पे पूजा होनी है, रंगोली वगैरह भी रहती है, और पकौड़े भी बनाने हैं, अभी बहुत सारी चीजें रहती हैं। अभी सबसे पहले हम गुरुद्वारे जा रहे हैं, ये देखो जी तल्लन साहिब। हर साल हम मथा टेकने जाते हैं, इस बार ये है कि हम सुबह सुबह जा रहे हैं मथा टेकने, मतलब सुबह नहीं है तो शाम के टाइम पे जा रहे हैं, दिन के टाइम में मतलब, नहीं तो वैसे घर पे पूजा करने के बाद फिर जाते थे, लेट हो जाते थे। तो अभी यहाँ जा रहे हैं, चलो जी आपको दिखाते हैं, और उसके बाद घर पे भी पूजा वाला आपको दिखाएंगे सारा ना सीन और प्रोसेस, और उसके बाद फिर पटाखे लास्ट पे पटाखे फोड़ने हैं, वो तो मिस मत ही करना। सो गाइस हमने यहाँ से ले लिए हैं मिठाई, और देख सकते हो गुरुद्वारे के नियर बाय हम लोग बिल्कुल पहुँच गए हैं, और यहाँ पे अभी हमने देखो मिठाई भी ले ली है। और अभी चलते हैं अंदर साइड और मथा टेकते हैं और आपको दिखाते हैं। सो गाइस देखो जी हम लोग पहुंच गए गुरुद्वारा साहिब, और ये देख लो जी गुरुद्वारा साहिब का मॉडल बैक साइड, ये है जी लंगर घर आप देख सकते हो, और बहुत ही प्यारा ये बैक साइड से बनाया हुआ है। हम लोग जा रहे हैं, देखो जी साहिबा ने हाथ में लिए हुए हैं मोमबत्तियाँ और ली हुई है मिठाई, और ये देखो जी कितना प्यारा यहाँ का माहौल है, इन्वायरमेंट है। और ये देखो जी हम सारे लोग चल रहे हैं, और वहाँ पे बाबू के लिए चॉकलेट ले रहे हैं हम लोग, और देखो जी सकते हो बाबा जी सेवा कर रहे हैं चॉकलेट्स की। ये देखो जी सबको दे रहे हैं चॉकलेट्स, ये देखो ये सारी चॉकलेट की सेवा, वेरी नाइस वेरी नाइस। ये देखो जी कितना बढ़िया माहौल है यहाँ पे, और देखो जी कितना रश है यहाँ पे, और मार्केट भी पूरा का पूरा बना हुआ है। और देखो जी दिए वगैरह आज के टाइम पे इधर लगाए जा रहे हैं, इन्होंने पहले बैक साइड करते थे, इस बार इस पास करता रहे इन्होंने। ये देखो जी सो गाइज आप देख सकते हो कितनी सारी मोमबत्तियाँ हैं, और ये देखो जी सारे मतलब कि ना दिए मोमबत्तियाँ वगैरह जगा रहे हैं और जलाते हैं। तल्लन साहिब का मेन यही है, मतलब कि लोग दूर दूर से आते हैं, और ये देखो जी दिए वगैरह जलाते हैं, बहुत ही प्यारा माहौल लगता है। और मेन मतलब दिवाली ना एक्चुअल में यहीं सेलिब्रेट की जाती है, हम तो हर बार आते हैं, और ये देखो जी कितना अच्छा माहौल है, आप देख रहे हो गए यार, आपको देख के पता लग रहा होगा यार कहाँ आ गए, बहुत ही प्यारी जगह और बहुत ही मज़ेदार जगह है। तो ये देखो जी आप देख सकते हो, चलो आपको हम दिखाते हैं अभी दिए जला के।
सो गाइस आप देख सकते हो, देखो जी पूजा स्टार्ट हो गई है और गणेश पूजा के लिए पहले लक्ष्मी पूजा गणेश पूजा एक साथ पूजा होती है। और ये देखो जी मौली वगैरह का यूज़ कर रही है साहिबा। और ये देखो जी चरण भी बनाए हुए हैं और ये दिए लगे हुए हैं। अभी इसे जलाएंगे और उसके बाद पूजा होगी, पूजा भी आपको दिखाएंगे। तो ये सारा देख लो जी क्या होता है प्रोसेस पूरा का पूरा पूजा का। वो तो बावली पढ़ के ले जा मेरे बाबू ने ठीक करो गल्ला करे मेरा बाबू ओ सामने दे साहिबा। हम ना जा रहे हैं, हम घर के अलग अलग हिस्सों में जगह पे रखते हैं ये दिए, आपको दिखाते हैं आपको। चलो चलते हैं। ये देखो हम जा रहे हैं बाहर ये रखने। चलो चलते हैं। ये देखो जी घर के द्वार पे सबसे पहले रख रहे हैं दिए, है ना। तो ये रखा जाते हैं। ये घर, ये है डेकोरेशन जो मैंने करी है, देख सकते हो दोस्तों कैसी लग रही है अभी बताओ। ये देखो जी घर की रंगोली। गाइस ये देखो दिए रखते हुए हम जा रहे हैं अभी छत की तरफ। ये देख सकते हो ये लेके चल रहे हैं हम। आराम से दिए रख रहे हैं अलग अलग जगह, छत पे लगाएंगे दिए। दिए लगाते हुए राम आएंगे मैं जाने वाले रॉकेट, तो आपको दिखाते हैं। चलो आगे जाना ठीक है कैमरा में। अभी उड़ो बड़े खतरनाक पटाखा ये वाले हैं अनार। ये देखिए जी ये देखो अभी अनार जलेगा हमारा। ये सो गाइस अभी हम चलाने वाले हैं सेवन साउंड। तो देखते हैं कि सेवन साउंड क्या होता है, किस तरह से बजता है, ऊपर बजता है, नीचे बजेगा, कैसे बजेगा, अभी आपको दिखाते हैं। बने रहिए मेरे साथ। अभी हमने ऐसे किया है और नॉर्मल मोड में रखना, नॉर्मल पे। अभी हम देखेंगे। ए हैप्पी दिवाली ओ देख ये मजा आ रहा है, देखे आता था मेरी पी। ये देखो जी हर्ष को कितना मजा आ रहा है, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। हैप्पी दिवाली हर्ष, हर्ष बजा रहा है, हर्ष जला रहा है। ए हैप्पी दिवाली दे रहा है। नो 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 नो। ये देखो जी हर्ष फुल एंजॉय करते हुए, मस्ती करते हुए। लास्ट होगा फिर और बुझ गया है, वो बुझ गया है, मुझे लग रहा है अंशु बुझ गया है वो। यस हैप्पी दिवाली। शूट और विश मांगेंगे और ये देखते हैं कहां तक जाता हमारा पैरा और कितने ऊपर उठता है। भाई साहब दुनिया का सबसे बड़ा बॉम्ब चलाने वाला हूँ मैं आज। आप दुनिया का सबसे बड़ा बॉम्ब चलाते हैं, ये वाला देखिए लंबाई देख लीजिए इसकी, 3000 फीट है इसकी कम से कम लंबाई। और आप देखिए ये बॉम्ब है दुनिया का सबसे बड़ा बॉम्ब। ये कहाँ जाएगा, ये कम से कम नहीं भी तो 2000 फीट तक जाएगा। आपको दिखाता हूँ कैसे जाते हैं।
ये देखिए बने रहे वीडियो के साथ, ये आग लगेगा। ये देखिए जी 2000 ये जाने वाला है, देखिए बहुत ऊपर जाने वाला है। ये 2000 जाएगा, ये देखिए चला गया, ये अंतरिक्ष को टच करेगा, ये अंतरिक्ष को टच, ये लगा है देखने में कि नीचे है पर ये अंतरिक्ष को टच करके आया है, ये बहुत ऊपर गया भाई साहब। अभी दूसरा सबसे बड़ा बम चलाते हैं, ये सबसे बड़ा अनार जलने वाला है, ये दुनिया का सबसे बड़ा अनार है। अरे अरे आग लगी है अनार में, ये देखिए बहुत ऊपर तक जाने वाला है और काफी देर तक, मतलब ये देखिए सबसे, ये देखिए ये दो झटकों में गया है, पर ये कम से कम आधे घंटे तक चलने वाला अनार था, ये कम से कम आधे घंटे चलने वाला अनार था, पर नहीं चला, सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो दीदी का ये चंद्रयान 2 अनसक्सेसफुल हो गया। दीदी दीदी कैसा लग रहा है आपका ये मिशन अनसक्सेसफुल हो गया? ये देखो जी चंद्रयान 2 अनसक्सेसफुल। अब कुछ कहना चाहते हो हैं? इधर बताइए। बहुत दुख की बात है, तो 3 साल के बाद चंद्रयान 3 आप स्टार्ट करना तो सक्सेसफुल हो गए। भी ऊर्जा भरते हुए इसमें चंद्रयान 3 की तैयारियां बहुत जोरों शोरों के साथ, आप इसरो के वैज्ञानिक पूरी तरह से तैयार, अपनी ऊर्जा को एकत्रित करते हुए और सौर्य ऊर्जा को नई तकनीकी के साथ इस बार लगता है कि ये चंद्रयान 3 सक्सेसफुल हो के रहेगा। तो आपको क्या लगता है, दर्शकों बताइए क्या लगता है इस बार चंद्रयान 3 होगा लॉन्च? दो तो अनसक्सेसफुल हो गए इनका। एक मिनट जी दिखाते हैं आपको, ये देखिए अब इन्होंने बोल दिया कि लॉन्चिंग के लिए तैयार है ये, अब ये इनका चंद्रयान 3 देखते हैं। अभी भी अभी ऊर्जा थोड़ी सी बाकी है बनने के लिए और आई थिंक लगता है कि इस बार ऊर्जा भरपूर भर गई है और बहुत ही अच्छी तरह लॉन्च हो चुका है। दर्शक तालियां बजाइए प्लीज, तालियां। और ये देखिए जी इनका जो चंद्रयान 3 है लग रहा है लगभग सक्सेसफुल हो रहा है और ये आउटर लेयर को क्रॉस करते हुए, क्या आउटर लेयर को क्रॉस कर गया और वैज्ञानिक इसरो के आपको क्या सा महसूस हो रहा है? बहुत बढ़िया। आउटर लेयर क्रॉस हो गई है। आप देखते बहुत खुशी, वैज्ञानिकों की खुशी देखते ही बनती है यहाँ पे। ये देखिए जी दूर दूर से नासा से भी वैज्ञानिक आए हैं आज। ये देखिए जी, ओ देखिए जी ये क्रॉस हो गया है और बस चांद में लैंडिंग की तैयारी है, देखिए और फाइनली लैंड हो गया है सक्सेसफुल। ओ हो।